नेक्स्ट हमारा टॉपिक वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। ठीक है, हमने पीछे ये टॉपिक किया था मॉर्गेज राइट टू रिडेम्पशन, तो उसी के कॉन्टिन्यूशन में ही है ये वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में भी पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन से डील करता है, तो वो सेक्शन आपको 60 बताया कि सेक्शन 60 में, प्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए, दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए। वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो ये इसको हम समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। एक तो हम करेंगे इसका मीनिंग, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसमें जो है टर्म है इसका मीनिंग क्या है, पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, ये मीनिंग या मीन्स क्या मतलब इसका, तो पहले मीनिंग समझते हैं। टिल दी एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉर्गेज मॉर्गेजर एज राइट टू रिडीम एंड दिस राइट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम बाय एनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो हमने पहले जब टॉपिक किया है मॉर्गेज राइट टू रिडेम्पशन, ठीक है, तो क्या था उसका राइट है रिडेम्पशन का। दूसरा हमने ये भी किया था मॉर्गेजेस के राइट में, तो सबसे पहला राइट सबसे इंपॉर्टेंट राइट था जो राइट टू रिडेम्पशन। ठीक है, अब बेसिकली हम मॉर्गेज को समझें थोड़ा सा, बेसिकली मॉर्गेज होती क्यों है। ठीक है, अब मिस्टर ए है, इनके पास कोई प्रॉपर्टी है और इनको इस प्रॉपर्टी पे इनको पैसे की ज़रूरत है, इस प्रॉपर्टी पे इनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब इनके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है और ज़रूरत पड़ गई इनको 20 लाख की। ठीक है, 20 लाख की ज़रूरत पड़ गई। अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो पहले तो इसको बेच दें प्रॉपर्टी, अब बेच दी तो पैसे चले, पैसे तो आ गए, मिल गए इनको, 20 लाख भी आ गए 30 लाख भी आ गए, पर ये मकान इनका हमेशा के लिए चला गया। हो सकता है इसके साथ कुछ इंटरेस्ट हो इनका, या वैसे भी ऐसी प्रॉपर्टी दोबारा ना मिल सकती है उनको। ठीक है, या तो 50 लाख में बेच दें और 50 लाख में बेच के इसको 50 लाख ले लें, 20 लाख अपने यूज़ कर लें और 30 लाख में कुछ और कर लें, तो अब इनका इंटरेस्ट बेचने का नहीं है। इनको है कि 20 लाख हैं, 20 लाख तो मैं 2-3 साल में कमा लूँगा, 4 साल में, 5 साल में मैं दोबारा 10 साल में रिकवर कर लूँगा, पर ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, 20 लाख तो मैं कमा लूँगा, मेरी कमाई है, अभी मुझे अर्जेंटली ज़रूरत पड़ गई है, बेटी की शादी करनी है, बेटा बीमार है, कुछ बाहर फॉरन भेजना है, कुछ और पैसे ज़रूरत पड़ गए इसको अचानक ही किसी चीज़ के लिए भी, तो 20 लाख तो इनको है कि मेरी इनकम है, मैं कमा लूँगा, पर अगर प्रॉपर्टी बेच दी तो प्रॉपर्टी मेरे पास दोबारा नहीं आएगी। इसलिए 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचने के बजाय उसको 20 लाख में ये क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी को मॉर्गेज कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन थे इनके पास सेल की, वो अडॉप्ट नहीं की इन्होंने, रादर ये मॉर्गेज कर रहे हैं अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख की प्रॉपर्टी में। तो इसलिए मेन यहाँ पे अब क्या है, पार्टी ये जो इनका इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी के साथ है, तो ये इंटरेस्ट हमेशा प्रॉपर्टी के साथ रहे, और जब बी जो प्रॉपर्टी में 20 लाख दे रहे, तो इनका इंटरेस्ट तो सिर्फ पैसे देना है और उस पर इंटरेस्ट लेना है। जो बी का इंटरेस्ट है वो तो सिर्फ 20 लाख में प्लस इंटरेस्ट है, जो उनके 20 लाख उनके पास पड़े हुए हैं वो चाहते हैं उससे मुझे इनकम हो जाए, तो इनका इंटरेस्ट तो सिर्फ इसमें होना चाहिए और मिस्टर ए का इंटरेस्ट हमेशा इस प्रॉपर्टी पर बना रहना चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें, लॉजिकली बात करें, ठीक है, कॉमन सेंस यूज़ करें, तो अब ए का इंटरेस्ट तो हमेशा प्रॉपर्टी में रहना चाहिए और बी का इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में होना चाहिए, तो फिर क्यों इनको रोका जाए इस प्रॉपर्टी को लेने से, वापस लेने से क्यों रोका जाए, और बी को प्रॉपर्टी क्यों दिलाई जाए, 50 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में क्यों बी हड़प ले। फिर तो लोग गलत काम शुरू कर देंगे, लोगों को पैसे दे देंगे उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी हड़पनी शुरू कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ चलती भी थी पहले किसी टाइम, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मॉर्गेज में जो है राइट्स जो हैं वो काफ़ी सारे राइट, और मेन बेसिक राइट जो है वो रिडेम्पशन का जो मॉर्गेजर है उसको दिया हुआ है। ठीक है, मॉर्गेजर कौन है?
मिस्टर ए मॉर्गेजर है और ये मॉर्गेजी है, तो मिस्टर बी का जो मॉर्गेज है उसका राइट हमेशा उसके पैसे और इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पैसे और उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, और मॉर्गेजर का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में रहना चाहिए। लॉ इस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि वो नहीं तो वो अपनी प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच देते, 20 लाख के लेते, 50 लाख पूरे ले लेते, अब उनको 20 लाख की वजह से वो प्रॉपर्टी देनी पड़ रही है, और इसलिए उन्होंने कम पैसे लिए थे क्योंकि वो प्रॉपर्टी को बचाना चाहते थे। तो इसलिए क्या है कि हमेशा जो होगा राइट जो होगा वो इसका हमेशा बना रहेगा राइट मॉर्गेजर का टू रिडीम, एंड इस राइट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम एनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी लॉ या कॉन्ट्रैक्ट से नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से कर दिया जाएगा, ठीक है, एनी रिस्ट्रिक्शन एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू रिडम्पशन इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा लॉग ऑन रिडम्पशन, ठीक है। क्लॉग का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है इसको रुकावट, ठीक है, कोई वो उसको रुकावट को कहते हैं क्लॉग, मतलब कोई किसी को ब्लॉक कर दिया जाए, ब्लॉकेज को क्लॉग कहा जाता है, ब्लॉकेज, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर रिडम्पशन पे होगी तो उसको कहा जाएगा ब्लॉकेज ऑन रिडम्पशन, उसको माना जाएगा, और ब्लॉकेज ऑन रिडम्पशन मान के उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मीनिंग आपको समझ आ गया कि मीनिंग क्या है कि टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉर्गेज मॉर्गेजर हैज़ राइट टू रिडीम एंड द राइट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम बाय एनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसी लॉ में या कॉन्ट्रैक्ट करके, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी टर्म ना डाल दी जाए, क्योंकि मॉर्गेज तो कई किसी तरीके भी हो सकते हैं, कई हजारों तरह के मॉर्गेज टाइप्स हैं, किसी ऐसे टाइप में कोई ऐसी क्लॉज ना डाल दिया जाए, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से इनडायरेक्टली कोई क्लॉज ना डाल दिया जाए, डायरेक्टली तो सीधा कह दिया कि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, एक बार मॉर्गेज होगी तो हमेशा मॉर्गेज ही रहेगी, उसको जब मर्जी वो छुड़वा सकता है, पर कोई ऐसे चालाकी मार के कुछ ऐसा क्लॉज डाल दे, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डाल दे जिससे कि वो प्रॉपर्टी हमेशा उसकी हो जाए, मॉर्गेजी की प्रॉपर्टी हो जाए, ठीक है, वो रुकावट आ जाए, तो अगर ऐसी कोई रुकावट आएगी, कोई ऐसी ब्लॉकेज आएगी रिडम्पशन पे, तो उसको क्लॉग ऑन रिडम्पशन कहा जाएगा, और क्लॉग ऑन रिडम्पशन मान के उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, इनवैलिड मान के उसको क्लॉग ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। तो अब हम यहाँ समझ लेते हैं, इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन समझते हैं। दीज आर इलस्ट्रेशंस ऑफ क्लॉग ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो ये कुछ इलस्ट्रेशन है, कुछ एग्जांपल्स हैं हम जो कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि किसको रिडम्पशन का क्लॉग ऑन रिडम्पशन माना जाएगा, ठीक है, कैसी कंडीशन। कुछ एग्जांपल इसके अलावा बहुत सारी हो सकती है, हम तो कुछ इलस्ट्रेशन जो कॉमन यूज्ड जो है उसके क्लॉग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो कॉमन में अगर हम बात करें तो सबसे पहली तो है अनरीजनेबल लॉन्ग टर्म ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, को बहुत लंबे टाइम के लिए कर दीजिए, 50 साल, 60 साल, 70 साल के लिए अनरीजनेबल टाइम है, 60 साल बाद ही तुम उसको रिडीम करा सकोगे, 60 साल से पहले रिडीम नहीं कराओगे, क्यों 60 साल क्यों, भी वो मर जाएगा, वो उसको बाद में प्रॉपर्टी को लेके क्या करेगा, 50 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में दे रहा है, क्यों तुम 50 साल के लिए कर रहे हो, उससे तो वो तो इंडायरेक्टली तुमने प्रॉपर्टी अपने पास ही रख ली ना, तुमने तो ब्लॉकेज कर दी है, क्लॉक कर दिया उस पर, तो अनरीजनेबल लॉन्ग टर्म जो रिडम्पशन होगी वो हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। इस पे एक जजमेंट भी लिख लो, जजमेंट लिखा देता हूँ मैं आपको, शिव देव सिंह
वर्सेस सुच्चा सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें हेल्ड द कंडीशन इज वॉइड वेयर पीरियड ऑफ रिडम्पशन इज फिक्स्ड फॉर 99 ईयर्स। ठीक है, 99 ईयर्स के लिए उसने मॉर्गेज कर ली। क्यों भाई, 99 ईयर्स तक कौन बचेगा? तुमने तो प्रॉपर्टी इंजॉय कर ली, खुद भी कर ली, अपने बच्चों को भी, चार पुश्तों को इंजॉय करा दी प्रॉपर्टी तुमने। ठीक है, गलत है ना? तो ये शिवदेव सिंह, उन्होंने कहा था कि अगर 99 ईयर्स के लिए ऐसी कंडीशन है, 50 साल के लिए भी हो, 40 साल के लिए भी हो, तो वो भी है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हो सकती है। ठीक है, 1 साल के लिए हो सकती है, 5 साल के लिए भी चलो हो सकती है, 5-7 साल तक ठीक है, 10 साल तक भी ठीक है, पर 50 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 99 ईयर्स से तो गलत है। ठीक है, इस केस में उन्होंने कहा था कि ये जो इतने लंबे टाइम तक है, ये तो इनडायरेक्टली तुमने प्रॉपर्टी परचेज ही कर ली ना तुमने, तो 99 ईयर्स तक कौन बचेगा? तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये कंडीशन जो है, ये क्लॉग माना जाएगा और ये इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ रिडम्पशन इवन आफ्टर पेमेंट ऑफ डेब्ट। ठीक है, कोई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लगा दिए कि पेमेंट करने के बाद भी वो तुम वापस नहीं ले सकते, रिडीम नहीं करा पाओगे। ठीक है, इतने टाइम के लिए या कुछ भी है, तो वो भी क्लॉग माना जाएगा और उसको भी इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। फिर थर्ड है, ये कोई सीरियल ऑर्डर नहीं है, तो एग्जांपल्स आ रहे हैं, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। कंडीशन ऑफ सेल इन डिफॉल्ट। ठीक है, कोई कंडीशन है सेल की कि तुमने डिफॉल्ट कर दिया, तो जो है मैं उसको सेल कर दूंगा। ठीक है, कंडीशन क्या लगा दी है जी? कंडीशन लगा दी है कि तुमने हर महीने मुझे 50,000 रुपये देने हैं, या 10,000 रुपये तुमने मुझे वापस करने हैं, 10,000 हर महीने देने हैं। अगर तुमने 1 महीने तक नहीं दिए, 30 डेज में वेट करूंगा, और 30 डेज के बाद प्रॉपर्टी सेल मान ली जाएगी। ठीक है, क्यों मान ली जाएगी भाई सेल? 10,000 एक किस्त नहीं दी तो तुम उसको सेल कर दोगे प्रॉपर्टी, बहुत ईजी हो गया फिर तो, बैंक वाले सब प्रॉपर्टी वेज कर देंगे। ठीक है, कोरोना में लोगों ने 2-2 साल तक नहीं दे पाए, तो ये तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब जो गलत है वो प्रॉपर्टी में अगर नहीं दे पाया, 1-2 इंटरेस्ट नहीं दे पाया, किस्तें नहीं दे पाया, तो उससे क्या है? ठीक है, तो इस पे भी केस लॉ कर लो आप। मैं करा देता हूँ, शिव देव सिंह, शिव देव तो दूसरा था, ये गुलाब चंद शर्मा, गुलाब चंद शर्मा वर्सेस सरस्वती देवी, 1977 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड किया था दैट मॉर्गेज एंड राइट टू रिडम्पशन कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स, रिकग्नाइज्ड बाय लॉ ओनली थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, कानून की प्रक्रिया द्वारा ही उसको किया जा सकता है, जो कानून में जो प्रोविजन दी उसी से किया जा सकता है, कोई कंडीशन लगा के नहीं किया जा सकता।
अब कंडीशन लगा दी तो फिर तो वो ठीक है, डिफॉल्ट तो कर देगा। अब इतने 10 साल का लोन है, 10 साल में तुमने रख दिया, 30 दिन रख दिए, 50 दिन रख दिए, तो कोई भी डिफॉल्ट है, कोई ह्यूमन बींग है जो उतनी डिफॉल्ट कोई भी कर सकता है, तो वो डिफॉल्ट करेगा तो प्रॉपर्टी तुम ले लोगे उसकी, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने कर दिया कि ऐसी कोई अगर कंडीशन लगा दी है जिसमें सेल हो जाएगी तो वो भी नहीं है। और हमेशा जो फॉरक्लोजर होती है वो हमेशा कोर्ट के प्रोसेस से होती है। बैंक में भी अगर आप देखोगे कि तो बैंक भी जो है जब प्रॉपर्टी को सेल आउट करती है तो सीधे सेल आउट नहीं करती, प्रॉपर नोटिस दिए जाते हैं उसको, जितने मिनिमम नोटिस हैं वो नोटिस देने पड़ते हैं। उसके बाद उसको प्रॉपर ऑक्शन होती है, और वो खुद प्रॉपर्टी नहीं रखते बैंक, ऑक्शन करवाई जाती है और एक वो थर्ड पर्सन को बीच में डाल के थ्रू कोर्ट के थ्रू वो उसको करवाई जाती है, ऑक्शन कराई जाती है, फिर उसको सेल किया जाता है। अदरवाइज ऐसे नहीं सेल होती सीधी प्रॉपर्टी, तो मतलब थ्रू प्रोसेस जो बनाया हुआ है उस प्रोसेस को फॉलो करके ही, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके और जो लॉ में जो टर्म्स दिए उसी से किया जा सकता है। तुम अपनी कंडीशन डाल के कोई अपनी एक पर्टिकुलर काइंड की मॉर्गेज बना के और तुम उसकी प्रॉपर्टी को जो है सोचो कि हम सेल करवा देंगे तो वो क्लॉग माना जाएगा, ठीक है, और वो भी कंडीशन जो है इनवैलिड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कंडीशन पोस्टपोनिंग रिडम्पशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, पोस्टपोन हो जाएगी जी। तुमने अगर एक डिफॉल्ट कर दिया तो वो 5 साल के लिए और आगे हो जाएगी, ठीक है, पोस्टपोन हो जाएगी, कुछ ऐसा ऐसी कंडीशन है तो वो भी गलत है। फिर कंडीशन ऑफ पुनिटिव नेचर, कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जो पुनिटिव नेचर, सजा देने की तरह है, ठीक है, तुम हर महीने 10,000 रुपये दोगे, अगर 1 महीने नहीं दिए तो तुम्हें 2 लाख रुपये फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, क्यों भी 2 लाख क्यों फाइन दोगे, ठीक है, ऐसी कंडीशन जो पुनिटिव नेचर की है तो वो भी जो है उसको भी क्लॉग माना जाएगा और इनवैलिड कर दिया जाएगा। फिर कंडीशन टू प्रोवाइड बेनिफिट इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी इवन आफ्टर रिडम्पशन, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, बेनिफिट है उसके मॉर्गेज की फेवर में, फिर रिडम्पशन के बाद में भी कोई बेनिफिट अपने फेवर में लेके बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन लगा दी है जो रिडम्पशन के बाद भी मॉर्गेजी को बेनिफिट आता रहेगा कि इसका किराया मैं लेता रहूँगा, इसको मैं इतने टाइम तक मैं फिर यूज़ करूँगा, जब तक तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, जब तक तो मेरा बेटा BA नहीं कर जाता, तो ये सब चीज़ें कंडीशन जो है कोई अपने बेनिफिट के लिए बनाई हैं, तो वो कंडीशन रिडम्पशन के बाद भी ऐसी कंडीशन जो है जो उसको रोक रही है रिडम्पशन से तो उसको भी क्लॉग माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है रिस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन, ठीक है, कोई ऐसा रोक दिया है उसको एलिनेट करने से स्टेटमेंट लगा दी है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रेरी होगी टू सेक्शन 91 एंड 92, ठीक है, उसके अगर कॉन्ट्रेरी होगी, ये भी हमने पढ़ने सेक्शन, वहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर होगा, तो अगर ऐसी कुछ कॉन्ट्रेरी सेक्शन 91 और 92 के कॉन्ट्रेरी को स्टेटमेंट लगा दी है एलिनेशन करने से तो उसको भी क्लॉग माना जाएगा और वो भी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है, तो उसको भी इनवैलिड मान लिया जाएगा। क्लियर आपको, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, इसका मीनिंग क्या है मॉर्गेज का, जब तक ये मॉर्गेज जो है उसके पास राइट बना रहेगा, जब तक वो एक्सटिंग्विश नहीं होती है तब तक उसका राइट बना रहेगा रिडीम कराने का, और वो राइट क्या होगा, थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ ही हो सकता है ख़त्म, कोर्ट जो है अगर उसको फोरक्लोज तभी होगी वो राइट उसका तभी ख़त्म होगा जब फोरक्लोज हो जाएगा बाय अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तभी उसको माना जाएगा कि वो फोरक्लोज हो गया, अदरवाइज उसका रिडीम करने का राइट बना ही रहेगा। और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है जिससे कि वो रिडम्पशन जो है वो रिडीम ना करा सके तो उसको क्लॉग और रिडम्पशन माना जाएगा, ब्लॉकेज माना जाएगा रिडम्पशन पे, ठीक है,
और ये कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, अनरीजनेबल लॉन्ग टर्म ऑफ रिडम्पशन, प्रोहिबिशन ऑफ रिडम्पशन इवन आफ्टर पेमेंट ऑफ डेब्ट, कंडीशन ऑफ सेल इन डिफॉल्ट, कंडीशन पोस्टपोनिंग रिडम्पशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कंडीशन ऑफ प्रिवेंटिव नेचर, कंडीशन टू प्रोवाइड बेनिफिट इन फेवर ऑफ मॉर्गेज इवन आफ्टर रिडम्पशन, रिस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन। ठीक है, सेक्शन 91 92 के कुछ केस लॉ हमने कर लिए। ठीक है, क्लियर है।